नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो उसका फॉर्म किस तरीके से भरना है, उसका एक लाइव डेमो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, कुछ डिटेल जरूरत पड़ेंगी आपको फॉर्म भरने के लिए। अकाउंट नंबर, आईडी या एड्रेस प्रूफ की एक फोटोकॉपी, पुराना और नया मोबाइल नंबर और डेट जिस डेट को आप ये रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। आइए हम लाइव वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको वो फॉर्म भरना है। अब मैं आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं अगर यदि मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहता हूँ या फिर मैं एड्रेस चेंज कराना चाहता हूँ उसके लिए है। तो आपके सामने ये एप्लीकेशन है। अब इसको भरना कैसे है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देंगे। यहाँ पर आप शाखा का नाम लिख देंगे, जैसे सुमेरपुर वाली मेरी ब्रांच है तो मैं सुमेरपुर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको आपकी कस्टमर आईडी लिखना है, जो कि आपकी पासबुक पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रथम नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर आपको लास्ट नाम लिखना है, जो आपका सरनेम है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी अपनी लिख देनी है। अब इसके बाद आपको खाता संख्या लिखना है, जो कि 14 डिजिट की खाता संख्या होती है, जो आपके पासबुक पे आपको दिख जाएगी। आपके पास अगर पैन नंबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आधार शाखा, जो आपकी बेस ब्रांच है, मेरी बेस ब्रांच सुमेरपुर है तो मैं सुमेरपुर लिख दूंगा। मेरा जो एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है वो मुझे यहाँ लिखना है। अब मैं जिस मोबाइल नंबर को नया मोबाइल नंबर जो चेंज करवाना चाहता हूँ उसकी डिटेल मुझे यहाँ लिख देनी है। रीज़न फॉर चेंज इन मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट, या जो भी लॉस्ट वगैरह आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं। अब संपर्क के लिए एड्रेस है, अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है जिस पर का आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। आदर्श नगर सिटी सुमेरपुर 306902, राज्य राजस्थान, कंट्री इंडिया। यहाँ पर ग्राहक अपने साइन कर देगा, आज की दिनांक डाल देगा और फिर इस तरीके से ये आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। इसको आपको ले जाके ब्रांच में दे देना है, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।